अब हम आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। ये खबर तमिलनाडु के एक गांव से जुड़ी हुई है जिसकी पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है। इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, वो भी वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हो चुका है। मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, घर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, पानी की टंकी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, सरकारी दफ्तर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा। जो आप देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, दोनों बातों पर आपको हैरानी हो रही होगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर इतने प्राचीन मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे हो सकता है। इतने बड़े और छोटे मंदिर में जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां वक्फ बोर्ड का क्या काम। लेकिन ये सच है, इस पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस गाँव की ज्यादातर आबादी हिंदू है, लेकिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी देखिए कि पूरे के पूरे गांव की जमीन को अपनी जायदाद घोषित कर दिया। अब आपको इस जगह का परिचय बताते हैं। यह गांव तमिलनाडु में है, तिरुचिरापल्ली में त्रिची के पास बसा है तिरुचिथुरई। आज से नहीं, 50-100 सालों से भी नहीं, बल्कि कई सदियों से गांव यहीं पर अडिग है। यहां प्राचीन मंदिर हैं, पुराने घर हैं, लेकिन अब इन सब पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है, जबकि यहां की आबादी हिंदू है। इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। गांव वालों को अब वक्फ बोर्ड का हुक्म मानना पड़ता है। ये रहे वो दस्तावेज जो इस गांव के लोगों को लाने पड़ते हैं। ये एनओसी है जिसे वक्फ बोर्ड जारी करता है। इस एनओसी के बाद ही कोई परिवार अपनी जमीन का सौदा कर सकता है। इस मंदिर को एक बार फिर से देखिए। ये मानिदिया वल्ली समीथा चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर है। दस्तावेज और सबूतों के मुताबिक ये मंदिर 1500 साल से भी पुराना है। इस मंदिर के पास तिरुचेंथुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की संपत्ति है, लेकिन आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला कैसे सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजगोपाल नाम के एक शख्स ने 1992 में इस गांव में जमीन खरीदी। राजगोपाल जब जमीन बेचने रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। रजिस्ट्रार ने बताया कि जो जमीन उन्होंने खरीदी उसका असली मालिक अब वक्फ बोर्ड है। जमीन बेचने के लिए उन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। गांव के लोगों को भनक भी नहीं लगी और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड इस पूरे गांव की जमीन का मालिक बन गया। तमिलनाडु की सरकार सोती रही और वक्फ बोर्ड ने इस गांव की जमीन, मंदिर सबको हड़प लिया। अब ये 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का है। ये दफ्तर, ये टंकी, ये जमीनें सब कुछ वक्फ बोर्ड के नाम की जा चुकी हैं। गांव वाले ठीक उसी तरह से हैरान हैं जैसे आप ये खबर देखकर हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।